प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को डेरा बाबा नानक में कहा कि करतारपुर कॉरिडोर को कम वक्त में तैयार करने के लिए मैं इमरान खान को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तान के श्रमिक साथियों का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतनी तेजी से अपनी तरफ के कॉरिडोर को पूरा करने में मदद की। उन्होंने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज देश को करतारपुर साहिब कॉरिडोर समर्पित कर रहा हूँ। जैसी अनुभूति आप सभी को कार सेवा के समय होती है, वही मुझे इस वक्त हो रही है। मैं आप सभी को, पूरे देश को, दुनिया भर में बसे सिख भाई बहनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। गुरुवार नानक देव हमारे प्रेरणा पुंज हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि गुरुवार नानक देव जी सिर्फ सिख पंथ की, भारत की ही धरोहर नहीं, बल्कि पूरी मानवता के लिए प्रेरणा पुंज हैं। गुरुवार नानक देव एक गुरुवार होने के साथ साथ एक विचार हैं, जीवन का आधार हैं। उन्होंने सीख दी कि धर्म तो आता जाता रहता है, लेकिन सत्य मूल्य हमेशा रहते हैं। उन्होंने सीख दी है कि अगर हम मूल्यों पर रहकर काम करते हैं तो समृद्धि स्थायी होते हैं। करतारपुर के कण कण में गुरु नानक देव जी के पसीने की महक मिली है। यहाँ की वाणी में उनकी वाणी की गूंज मिली हुई है। उन्होंने कहा कि गुरु नानक जी के 550वें प्रकाश वर्ष पर उनकी स्मृति में सिक्के और स्टैंप जारी किए गए हैं। इससे पहले गुरुवार गोविंद सिंह जी के 350वें प्रकाशोत्सव को भी पूरी दुनिया में मनाया गया। पटना में हुए कार्यक्रम में मुझे कुछ जाने का मौका मिला था, तब डाक टिकट और सिक्के जारी किए गए थे। गुजरात में उनके नाम से 750 बेड का एक अस्पताल भी बनाया गया है। गुरु नानक के नाम से युवा परिचित हों, इसके लिए गुरबानी का अनुवाद अलग अलग भाषाओं में किया जा रहा है। यूनेस्को द्वारा भी गुरु नानक जी की बातों का अनुवाद कर प्रचलित किया जा रहा है। ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी में चेयर की स्थापना की गई है। कनाडा में भी उनकी बातों को प्रचलित करने के लिए चेयर की स्थापना हुई है। मोदी ने बेर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका। वे सुबह करीब 11 बजे डेरा बाबा नानक पहुंचे थे। यहां वे सिखों के पाकिस्तान स्थित तीर्थ स्थल गुरुद्वारा दरबार साहिब और भारत स्थित डेरा बाबा नानक साहिब को जोड़ने वाले करतारपुर कॉरिडोर का उद्घाटन करेंगे। इससे पहले वे पंजाब के सुल्तानपुर लोधी पहुंचे थे। यहां उन्होंने बेर साहिब गुरुद्वारे में माथा टेका। उधर सिख श्रद्धालुओं का पहला जत्था भारत से पाकिस्तान स्थित करतारपुर कॉरिडोर पहुंचा। डेरा बाबा नानक में अकाली नेता सुखबीर बादल, केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी, गुरदासपुर से सांसद सनी देओल ने प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया। यहां मोदी ने भजन कीर्तन में हिस्सा लिया। उधर पंजाब के पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू करतारपुर कॉरिडोर टर्मिनल पहुंचे, जहां से वे पहले जत्थे के साथ करतारपुर साहिब के दर्शन करने पाकिस्तान जाएंगे। करतारपुर कॉरिडोर भारत पाकिस्तान में सद्भाव का पांचवां सबसे बड़ा कदम। सिंधु जल संधि 1960 में नेहरू-अयूब में समझौता जल विवाद पर एक सफल उदाहरण है। कराची में 19 सितंबर 1960 को तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के राष्ट्रपति अयूब खान ने हस्ताक्षर किए थे। दोनों देशों में दो युद्धों के बावजूद ये संधि कायम है। सिंधु का इलाका करीब 11.2 लाख किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। पाक में 47%, भारत 39%, चीन 8% और अफगानिस्तान 6% में है। समझौता एक्सप्रेस 1976 में अटारी-वागह के बीच चली ट्रेन दोनों देशों में सौहार्द बढ़ाने के लिए 22 जुलाई 1976 को अटारी लाहौर के बीच शुरू की गई थी। समझौता एक्सप्रेस अटारी-वागह के बीच 3 किमी का रास्ता तय करती है। इस ट्रेन के लोको पायलट और गार्ड चेंज नहीं होते। शताब्दी और राजधानी जैसी ट्रेनों के ऊपर प्राथमिकता दी जाती है। फिलहाल ट्रेन बंद है। मैत्री बस सेवा करगिल युद्ध में भी बस बंद नहीं की। 19 फरवरी 1999 को मैत्री बस की शुरुआत की गई। उद्घाटन पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने किया था। वह पाकिस्तान भी गए थे। 1999 में जब करगिल हुआ तो भी बस को बंद नहीं किया गया। हालांकि 2001 में संसद पर हमले के इसे रद्द कर दिया गया। यह 2003 में फिर से चली। फिलहाल बस सेवा है। सीजफायर संधि सीमा पर शांति के लिए बढ़ाए हाथ। सीमा पर शांति के लिए दोनों देशों ने 2003 में युद्ध विराम का ऐलान किया था। 25 नवंबर 2003 की आधी रात से युद्ध विराम लागू हुआ था। अटल बिहारी वाजपेयी की पहल के बाद एक औपचारिक युद्ध विराम का ऐलान किया था। हालांकि इसका उल्लंघन भी किया जा रहा है। पाकिस्तान के वो चार गुरुद्वारे जहां कण कण में नानक गुरुद्वारा ननकाना साहिब लाहौर, लाहौर से करीब 80 किलोमीटर दूर गुरुवार नानक जी का जन्म स्थान है। पहले इसे राय भो दी तलवंडी के नाम से जानते थे। नानक जी के जन्म स्थान से जुड़ा होने से अब यह ननकाना साहिब बन गया है।
गुरुद्वारा ननकाना साहिब लगभग 18,750 एकड़ में है। ये जमीन तलवंडी गांव के एक मुस्लिम मुखिया राय बुलार भट्टी ने दी थी। करतारपुर साहिब नारोवाल सिखों के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। गुरुवार नानक चार यात्राओं को पूरा करने के बाद यहीं बसे थे। यहां उन्होंने हल चलाकर खेती की। गुरुवार जी अपने जीवन काल के अंतिम 18 वर्ष यहीं रहे और यहीं अंतिम समाधि ली। यहीं गुरुवार जी ने रावी नदी के किनारे नाम जपो, किरत करो और वंड छक्को का उपदेश दिया था। लंगर की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। यह नारोवाल जिले में है। गुरुद्वारा पमजा साहिब रावलपिंडी, रावलपिंडी से 48 किलोमीटर दूर है। बताते हैं कि एक बार गुरुवार जी अंतर ध्यान में थे, तभी वली कंदारी ने पहाड़ के ऊपर से एक विशाल पत्थर को गुरुवार जी पर फेंका। जब पत्थर उनकी तरफ आ रहा था, तभी गुरुवार जी ने अपना पंजा उठाया और वह पत्थर वहीं हवा में ही रुक गया। इस कारण गुरुद्वारे का नाम पमजा साहिब पड़ा। आज भी पमजे के निशान ज्यों के त्यों है। गुरुद्वारा चोआ साहिब पंजाब प्रांत, यहाँ श्री गुरुवार नानक देव जी ठहरे थे। यह जगह 72 साल बाद 550वें प्रकाश पर्व पर श्रद्धालुओं के लिए खोली गई है। यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मौजूद है। इस गुरुद्वारा साहिब को महाराजा रणजीत सिंह ने बनवाने का काम शुरू किया था, जो 1834 में बनकर पूरा हुआ। 72 वर्ष बंद रहे इस गुरुद्वारे में बनी भित्ति चित्रकला लगभग लुप्त हो चुकी है।